असाइनमेंट, फोर्थ यूनिट है हमारी जिसमें मैं असाइनमेंट रेडी कर रहा हूँ, मीडिया मार्केट। हमारे चार्ट हो गए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, डेमोग्राफी, साइकोग्राफी एंड जियोग्राफी, नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंटेशन एंड क्लस्टर्स। अगला है मीडिया मार्केट मेथड मार्केट प्रोफाइलिंग, ठीक है। तो हम देखते हैं व्हाट इज मीडिया मार्केट, मीडिया मार्केट क्या है। अन एरियाज ग्रुप ऑफ पीपल दे हैव बीन रिसीव द सेम टेलीविजन प्रोग्राम स्ट्रीट्स आर फॉर यू फॉर एक्सेट्रा, वो जगह या वो लोगों का ग्रुप जहाँ पर लोग टीवी का इंटर देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसे मीडिया मार्केट कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू, मीडिया मार्केट का जो राजस्व प्राप्त होता है कहाँ से होता है, लाइसेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, एडवर्टाइजर के द्वारा रेवेन्यू प्राप्त होता है। मीडिया मार्केट इस सेगमेंट किन भागों में मीडिया मार्केट बना हुआ है, कौन कौन से विभाजन हैं, टीवी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, फिल्म्स, म्यूजिक, इंफॉर्मेशन सर्विस, वेब कंटेंट, सर्च पोर्टल, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड केबल एंड अदर सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल मीडिया। अब यहाँ पे क्या है, ग्लोबल मीडिया मार्केट ग्रैब फ्रॉम 1.95 to 2.9 billion dollars लेकिन 2023 में बढ़कर 8% की दर से बढ़कर 23.7 billion dollars हो गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 तक की बढ़त होगी 7.8% की दर से बढ़ेगी। तो इसलिए क्योंकि कोविड 19 से होने के बाद जो रूस इतने बाकी वजह से मार्केट फॉल गया था, दो बार मार्केट फॉल हो इसकी वजह से मार्केट दर 7.8% आ गई है। नेक्स्ट अगला देखते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है, इस पार्टी के मार्केट सेगमेंट से एक मार्केट सेगमेंट से मार्केट विभाजन का बाजार विभाजन का एक छोटा सा भाग है जिसके अंदर हम मार्केट को विभाजन करते हैं। किन किन में पार्ट विभाजन करने के बाद पेज के आधार पर, जेंडर के आधार पर, पीपल के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, फैमिली लाइफ सर्कल के आधार पर, रिलीजन के आधार पर और सोशियो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर सोशियो डालने जाओ। नेक्स्ट देखते हैं साइकोग्राफी। साइकोग्राफी क्या है, साइकोग्राफी का हिंदी मीनिंग होता है इसका मनोवैज्ञानिक विभाषण, ठीक है। डांस साइकोग्राफी सेगमेंट डील विद लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली के डील करता है, ठीक है। एंड रिसर्च आर वैरायटी ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है। ये एक अनुसंधान क्षेत्र है जो मनोवैज्ञानिक आधारित होता है, ठीक है। ये इस बार भी भाग में पहले किया गया है of
grasping the basis similarity. The basis of similarity is number one. Basis क्या होता है, क्या होता है आधारित, ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं. सिमिलैरिटी क्या है, समानता, जो एक दूसरे में समान चीजें हैं, ठीक है. और कस्टमर डिमांड यानी ग्राहकों की जो एक सी डिमांड है, एक सी एक जैसी चीजों को आने की जरूरत है, उनके आधार पर हम मार्केट का विभाजन करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है क्लस्टरिंग. क्या है क्लस्टरिंग? इज अ अनसरप्राइज, ठीक है. क्लस्टरिंग इज अनसरप्राइज, ये अनियंत्रित मशीन लर्निंग मेथड. एक अनियंत्रित मशीन लर्निंग मेथड है. मशीन लर्निंग को डिफाइन करता है, तो मशीन लर्निंग क्या है, जैसा बताया आजकल एआई का नाम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये टूल है जो बड़े से बड़ा काम छोटे छोटे समय में करके देता है. लाइक दैट मशीन लर्निंग में वैसे जो एक बहुत बड़े समूह का विभाजन चंद क्षणों में कर देता है. दैट सेगमेंट सिमिलर डेटा पॉइंट इन टू ग्रुप. ये विभाजन सिमिलर डेटा पॉइंट, ठीक है, सिमिलर डेटा एक जैसे डेटा पॉइंट को कुछ ग्रुपों में बांट देता है. दैट ग्रुप आर कॉल्ड सेट क्लस्टर्स. अब इन ग्रुपों को क्लस्टर्स कहते हैं. अब जाने के लिए डिफरेंस इन दोनों में भिन्नताएं क्या क्या है. सेगमेंटेशन एंड क्लस्टरिंग का समझ आएगी. सेगमेंटेशन इंक्लूड ह्यूमन डिफाइंड ग्रुप. ये मानव आधारित है या मानव जनित है, ये मानव इंसान पर आधारित है. इसका जो इसके इन्वॉल्व एम ए पावर एन एम एन एन मशीन लर्निंग, ये मशीन लर्निंग द्वारा जनरेट किया जा रहा है, ठीक है. अब टेन डिटेक्ट मोहब्बत करता तो ना जताता, पास आते तो जरूर बताता. किसी और के हो तुम, हमारे होते तो करके दिखाता.